एक बकरे की जान बचाने के लिए शुरू किया गया रेस्क्यू, खुले बोर बेल में गिरा था बकरा। मौके पर पहुंचे जिम्मेदार, 7 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मिली सफलता, जिंदा निकला बकरा। मऊगंज जिले के नईगढ़ी तहसील अंतर्गत गड़वा गांव की है घटना। आपको बता दें कि मऊगंज जिले में एक बेजुबान जानवर को बकरे की जान बचाने के लिए स्थानीय जिला प्रशासन द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दरअसल जिस बकरे को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, वह बकरा एक खुले हुए बोरवेल में जा गिरा, जिसके बाद स्थानीय लोगों की सूचना के बाद प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और बेजुबान जानवर की जान बचाने की जद्दोजहद शुरू की गई। बता दें कि पूरा मामला मऊगंज जिले के नईगढ़ी तहसील अंतर्गत स्थित ग्राम गड़वा का है, जहां आज सुबह तकरीबन 8 बजे खेतों में घूम रहा बकरा अचानक से खुले हुए बोरवेल में जा गिर गया था। पहले तो स्थानीय लोगों ने बकरे की जान बचाने के लिए काफ़ी प्रयास किए, लेकिन जब वह सफल नहीं हुए तो सूचना अधिकारियों को दी गई। मऊगंज जिला प्रशासन के जिम्मेदारों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कराया गया। बता दें कि जिले में खुले हुए बोरवेल में गिरने के कारण हाल ही में एक मासूम बच्चे की भी मौत हो गई थी, जिससे पूरे प्रदेश में बोरवेल को खुला रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। बावजूद इसके लोग लापरवाही बरतने से बाज नहीं आते हैं। हालांकि इस मामले में बकरे की जान बचा ली गई है और रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरीके से सफल रहा है। कला में एक पुराने बोर में बकरा गिर गया, ऐसी सूचना मुझे मेरे तहसीलदार साहब आए बताए। हम लोग तुरंत वहाँ से फिर यहाँ आए और जनपद के विभाग के कर्मचारियों को सूचित किया गया, वेटनरी वालों को सूचित किया गया कि उसके रेस्क्यू में जो भी किया जा सकता है उसको जल्दी करके बचाया जा सकता। बचाव पक्ष लगा है। ये बताइए, 14 अप्रैल 2024 को पनिका गाँव के उस पर कलेक्टर और कमिश्नर का ये संयुक्त आदेश था कि डेंजरस जिनमें दुर्घटनाएं हो सकती हैं, ऐसी गहरी बावली, कूप और ये बोर है, चिन्हित किए जाएं। उसमें कुछ जिम्मेदारियां दी गई थी कृषि विभाग, पंचायत विभाग, राजस्व विभाग। उस पर अभी तक क्या कोई ऐसे चिन्हित हुए हैं कि ऐसे जो दुर्घटनाकारी स्थल हैं उन पर क्या होगा? नहीं, खुले हुए बोर के संबंध में एक सर्वे कराया गया था ग्राउंड लेवल पर। कितने पाए गए? उसमें जनपद जो है वो नोडल विभाग के रूप में था। अब टोटल कितने पाए गए ये जानकारी मेरे संज्ञानता में भी नहीं है, लेकिन सर्वे करा करके और बंद भी कराए गए थे। इस तरह के कुछ पुराने बोर थे जिनकी जानकारी नहीं हो पाई थी, इसलिए ऐसा हुआ। ये तो रास्ते में है, रोड के बगल में है। हाँ, रास्ते में रोड के बगल में है, लेकिन वो ढका हुआ था, लोग बता रहे थे घास। नहीं, वो तो खुला ही, अभी भी खुला था, खुले में खुला है जी, क्योंकि उसमें कोई पाइप तो कड़ी नहीं थी। सर आज